हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज ना मेरा गला फिर से दर्द हो रहा है, इसकी वजह से मेरी आवाज़ जो है वो भारी भारी निकल रही है। तो अभी देखिए मॉर्निंग हो रहा है, सुबह के 8:30 हो रहे थे और आटा जो है वो ख़त्म होने वाला है। तो मैंने सोचा कि गेहूँ मैं पहले से ही धो के रख लूँगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। और धूप भी काफ़ी अच्छा निकल रहा है और यहाँ देखिए प्रिशु पिचकारी से खेल रही है। और फिर मैं आप लोग से सीधे इवनिंग में मिल रही हूँ, क्योंकि दिन भर बच्चों का क्लास चल रहा था, इसकी वजह से मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। और अभी मैं दिया जोड़ देती हूँ, शाम के बज रहे हैं 6:06 बजने में, 10 मिनट कम है। तो मैं मंदिर में दिया जोड़ लेती हूँ, इसके बाद मैं गेट पे दिया रख दूँगी, तुलसी माँ को दिया रख दूँगी और शनिदेव को रख दूँगी। तो प्रिशु मेरे साथ साथ ही है और देखिए कैसे खेल रही है, मस्ती, मतलब बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी वो। तभी मैंने देखिए गेट पे दिया रख दिया है। और तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने दिया जो है वो जोड़ दिया है। तो रुपेश वो बोल रही है ना कि मुझे पढ़ना है, तो वही रुपेश उसे पेन और पेंसिल और गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? और अभी हो गया है शाम, तो आजकल मेरे शाम का ही ब्लॉग जा रहा है। और चलिए अभी चलते हैं, दिखाते हैं। मैंने दिया जोड़ दिया है और आज है वेडनेसडे और तारीख है 2 फरवरी। और मतलब ठंड तो कुछ ठंड जो है ना, बहुत हद तक ठंड जो है वो कम हो गई है, पर शाम को जो है ना वो ठंड बढ़ गई थी, तो इसलिए देखिए मैंने ये वाला शॉल जो है वो ले लिया है। पर अभी जब काम मैं शुरू कर दूंगी ना, तो फिर ठंड जो है वो गायब हो जाएगा। तो अभी देखिए मैंने घर का जो क्लीनिंग होता है सब करने के बाद दिया जोड़ दिया है। और आज वेडनेसडे है तो हस्बैंड का छुट्टी है और वो गए हैं मार्केट, वही जो हर वेडनेसडे को छुट्टी रहता है, तो जाते हैं और घर का सारा सब्जी, मतलब एक हफ्ते की सारी सब्जी वो लेके आते हैं। तो अभी आते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि उन्होंने क्या क्या, मतलब वो क्या क्या लेकर आए हैं। तो अभी मुझे कपड़े फोल्ड करने हैं, तो चलिए अभी फोल्ड कर लेते हैं कपड़े। ये देखिए मैं कैसे बोली, इसको संभाल के रखो। क्या बोल रही है? इसको संभाल के रखो। देखिए क्या चीज है ये देखिए फ्रेंड्स, प्रिशु बोल रही है ना, इसे संभाल के रखो कि मैं फिर से करूँ, तब तुम लोग सीखो इससे। और ये लोग बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं, छोटी सी लड़की है ये, बोल रही है तुम संभाल के रखो और तुम लोग बस लिख के बस फेंक देना रहता है। और आज अपने पापा के साथ छवि भी चली गई है मार्केट, क्योंकि बोल रही थी कि मतलब अगले, मतलब पिछले बुधवार को ना रुपेश गया था, तो इन लोग का टर्न है, एक बुधवार को रुपेश जाता है, दूसरे बुधवार को जो है वो छवि जाती है। आज छवि का टर्न था, अगले बुधवार को रुपेश का टर्न हो जाएगा। तो अभी कर लेती हूँ कपड़े फोल्ड, क्योंकि आप देख सकते हो कितने सारे कपड़े हो गए हैं, बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। जैसा कि कल मतलब नहान था तो बच्चे, और बच्चे भी नहाए थे, तो बच्चों का जानते ही है कि ठंडी में बच्चों का कपड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वही बच्चों का कपड़ा है। 2 दिन पहले यहाँ बदली था तो कल का कपड़ा भी नहीं सूखा था और आज भी, आज का भी कपड़ा था, तो दोनों मिला के बहुत सारे कपड़े हो गए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो चलिए अभी मैं कपड़ों को फोल्ड कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, सबसे झंझट वाला काम जो होता है ना, वो होता है कपड़े फोल्ड करना। अब मेरी जो ये लोहे की अलमारी है ये पूरी फुल हो गई थी, तो मैंने कुछ चेंज किया है। जैसा कि मैंने छवि के और रुपेश के कपड़े मतलब मिला के कैबिनेट में रख दिया है, और कैबिनेट में जितना भी आइटम मैंने रखा था वो मतलब प्लास्टिक का जो कैबिनेट है उसमें मैंने रख दिया है। वही ग्लास वगैरह था, इसमें कांच के कुछ आइटम्स थे, तो वो सब मैंने हटा दिया है, अभी आपको दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स, ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा है? अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और बातें करते करते देखिए कपड़े भी मैंने फोल्ड कर लिए, अब सारे कपड़ों को मैं अलमारी में लगा देती हूँ। अब प्रिशा देखिए आगे पीछे मतलब हो रही है और परेशान भी कर रही थी, एक एक क्वेश्चन कर रही थी कि ये क्या होता है, ये कैसे है, दीदी यहाँ क्या है, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वो करती है। तो देखिए अभी मैं उसे अलमारी से बाहर निकाल के अलमारी बंद कर देती हूँ। और ये देखिए मैंने सारे कपड़े, दोनों बच्चे के डेली यूज़ होने वाले कपड़े मैंने इस कैबिनेट में लगा दिया है, और बहुत अच्छा लग रहा था लगाने के बाद। मतलब आज तक मैं सिर्फ इसमें कांच के आइटम और ग्लास वगैरह रखती थी, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ चेंज करते हैं। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और देखिए छवि अपना पर्स जो है इसके नीचे रखी है, कि मम्मी ये जो रैक है ये मेरा रैक है, मैं इसमें अपना मतलब पर्स वगैरह रखूँगी और अपना मतलब जैसे कि रबड़ पेंसिल वो सब
सब छवि ने नीचे ही रखा है और ऊपर एक रैक में रुपेश का कपड़ा है, दूसरे रैक में छवि का कपड़ा है। और मैंने चोटी बनाई थी ना तो खुल गया है, तो आ गए हैं। और आज बन रहा है फिश, क्योंकि इनका मन था आज वही, मतलब घटरा खाने का, मछली का, जो मैंने आप लोग के साथ रेसिपी शेयर किया था और काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया उस रेसिपी को। और सच में बहुत लोग इस रेसिपी के बारे में अभी तक जानते ही नहीं थे, मुझे मालूम था कि ज़्यादातर लोगों को ये रेसिपी नहीं पता होगा। तो अभी देखिए सब्जी जो लाए थे हस्बैंड, वो सारा सब्जी मैंने लगा दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आलू और प्याज मैंने लगा दिया है, और यहाँ पे अभी मटर रखा हुआ है, मैं इसे अभी पील कर लूँगी। और टमाटर वगैरह आया था वो सब भी मैंने यहाँ पे देखिए लगा दिया है, सारे वेजिटेबल्स मैंने लगा दिया है। अब फ्रीज बंद रहता है क्योंकि ठंड के सीजन में सिर्फ मैं रात को फ्रीज खुला रखती हूँ और दिन भर मतलब ये बंद रहता है, लाइट रहे या ना रहे, फ्रीज जो है वो मैं ठंड भर दिन में बंद, मतलब ठंडी के सीजन में मैं दिन भर बंद रखती हूँ, रात में सिर्फ खुला रहता है। और गर्मी में तो मतलब 24 घंटा चालू रहता है, जब लाइट कटता है तभी फ्रिज बंद होता है। तो अभी देखिए रेसिपी भी थोड़ा मतलब रेसिपी तैयार होने वाली है। हाँ नमक डालिए इतना, हाँ थोड़ा सा और लीजिए। तो अभी मैं इन्हें नमक बता रही हूँ क्योंकि ये नमक अभी नहीं डाल पाते हैं अपने से, तो दिखा रही हूँ कि कैसा दिख रहा है। सकते हो फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर इसका आया है और ये बहुत टेस्टी लगता भी है। बस थोड़ी देर में झटपट बनने वाला रेसिपी है ये फिश का, और बहुत जल्दी तैयार भी हो जाता है, और खाने में तो पूछिए मत कि कितना टेस्टी लगता है। जब मैं फर्स्ट टाइम ससुराल आई थी और ये रेसिपी मतलब मैं भी कभी नहीं खाई थी, इतनी बड़ी हो गई थी, और जब फर्स्ट टाइम ससुराल आई थी तो मेरे ससुर मतलब ये रेसिपी जब बनाए थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और वो बोल रहे थे कि ये रेसिपी तुम्हें मतलब बहुत अच्छी लगेगी। और वाकई में ये रेसिपी मतलब मैं अपने मायके गई जब बनाई तो मायके में भी सब लोगों ने पसंद किया इस रेसिपी को, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी YouTube फैमिली के साथ इस रेसिपी को शेयर कर लूं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप घटरे की रेसिपी वहां से वॉच कर लीजिएगा। और ये देखिए आप देख सकते हो कितना स्मेल भी बहुत अच्छा स्मेल भी आ रहा है इसका। तो अभी चलिए मैं चावल चढ़ा लेती हूँ, क्या चाहिए, तो अभी मैं चावल चढ़ा लेती हूँ, उसके बाद चलिए दिखाती हूँ कि मतलब पहले बच्चों को दिखाती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं, फिर मैं चावल चढ़ा लूंगी। तो ये देखिए अब थोड़ा सा मतलब मौसम जो है वो गर्म मतलब गर्म गर्म है ना, जैसा कि अभी ठंडी जो है वो कम लग रही है। तो रुपेश तो ठीक है, छवि देखिए कहाँ पे पड़ रही है, ये छवि कैसे पड़ रही है। और ये देखिए मेरा सूट पहनी हुई है ये, इसको मेरा सूट पहनने में बहुत मजा आता है। और रुपेश तो मतलब बिस्तर में ही है, अब पढ़ाई कम हो रही है, सिर्फ मतलब खवाई हो रही है, अब पढ़ाई नहीं हो रहा है, सिर्फ खा रहे हो, अभी तक कम्प्लीट हो जाना चाहिए तुम्हारा मैथ। तो फ्रेंड्स अभी मैंने चावल चढ़ा दिया है और चावल बनने में 5 से 7 मिनट लगेंगे, और फिश भी रेडी है, बस उसे भी 5 मिनट ही लगेंगे। और रोटी मैंने पहले से बना ही लिया था, तो फ्रेंड्स डिनर करने के बाद मैं मटर छीलने बैठ गई और छवि को होमवर्क मिला था, टेबल लर्न कराना था उसे, तो वो लर्न कर रही थी और मैं उसका टेबल सुन रही थी। तो बस आज का ब्लॉग यही है, और आप सभी को कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, मुझे सपोर्ट करिए। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।